स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा, कुछ बुजुर्ग यात्रियों को दे गई कड़वे अनुभव। कामाख्या तीर्थ दर्शन यात्रा के दौरान कुछ तीर्थ यात्रियों को बीच स्टेशन में उतारा, यात्रियों ने लगाया यात्रा प्रबंधन पर रुपए लेने का आरोप। मामले की जांच को लेकर जुटा जिला प्रशासन। इसने नगर में अज्ञात चोरों ने बनाया 3 घरों को निशाना, चांदी के सिक्के मोबाइल सहित नकदी को किया पार। सीएसपी ने टीम के साथ घटना स्थल का लिया जायजा। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के दीपावली मिलन समारोह में वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। चुनाव के लिए जुट जाने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। और वाराणसी में भी बढ़ी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां। और अब समाचार विस्तार से। बुजुर्गों को अंतिम पड़ाव पर तीर्थ दर्शन कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई तीर्थ दर्शन योजना एक अभिशाप बनकर सामने आई है, जिसने कुछ तीर्थ यात्रियों को ताउम्र ना भूलने वाले जख्म दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन तीर्थ यात्रियों की जो बड़े अरमान लेकर कामाख्या तीर्थ धाम के लिए घर से निकले थे, लेकिन कामाख्या धाम पहुंचने के पहले ही उन्हें दुर्ग के पास रसमरा स्टेशन में ट्रेन से उतार दिया गया, जिन्होंने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान इस तीर्थ यात्रा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर 1500 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले में फोन पर की गई चर्चा के दौरान गर्रा निवासी तीर्थयात्री बाबूलाल पटले ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने रायपुर के एक रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर घर वापस आए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान लाल बर्रा रैंगनी टोला निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग डुलीचंद सोलिकर ने बताया कि उन्होंने इस यात्रा के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें उनका नाम नहीं आया था, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा उन्हें बालाघाट और गोंदिया के बीच 1000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और गोंदिया से दुर्ग के बीच फिर से 500 की रिश्वत मांगी गई। पैसे न देने पर उन्हें जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर दुर्ग के एक स्टेशन में उतार दिया गया। काका जी, आपका नाम बताएंगे? डुलीचंद सेलोकर। कहाँ रहते हैं? टेनी काला जी, बताइए। तहसील लाल बर्रा। ये बताइए कि आप कामाख्या देवी, कामाख्या दर्शन के लिए गए हुए थे। हाँ। अभी तो लोग आए नहीं है वापसी, आप क्यों आ गए? कैसे आना हुआ? हम इसीलिए आए कि हमको रमसाड़ा स्टेशन में उतार दिया गया। क्यों उतार दिया गया, क्या बताइए? शुरू से बताइए, शुरू से क्या हादसा हुआ आपके साथ? हम लोग स्टेशन पहुंचे, हमने फार्म भरे थे, हमारा नाम क्यों नहीं आया, उससे जानकारी लेने गए। कहाँ गए? रेलवे स्टेशन 22 तारीख को, जिस समय ट्रेन रवाना होने का था। तो वहाँ पर रांगडाले मिला, तो रांगडाले ने कहा कि बोले आप बैठ जाओ। कौन है रांगडाले? कौन है रांगडाले? वहाँ का अनुरक्षक। अच्छा अच्छा, क्या बोला? बोले आप बैठ जाओ, बोले हम संभाल लेंगे, देख लेंगे, संभाल लेंगे। हम लोग बैठ गए यहाँ से बालाघाट स्टेशन में। एक घंटा उनने चेक किए, उस समय भी बोले कि आप बैठ जाओ, बोले हम आपको आगे कार्ड दे देंगे। हम बैठे रहे एक घंटा के बाद में, चेक करने के बाद गाड़ी रवाना हुई यहाँ से गोंदिया, बालाघाट से गोंदिया के लिए। गोंदिया स्टेशन के, बालाघाट के स्टेशन के आजू बाजू हमसे बीच में, मतलब उन्हें 1000 रुपये की मांग की, हमने 1000 रुपये दे दिए। मैंने मांग किया हमसे, बाबूलाल से और डुलीचंद से। किसने किसने? रांगडाले ने, अनुरक्षक जो था रांगडाले। अच्छा, गोंदिया के पास मांग लिया आपसे? हाँ। कितने कितने मांगा? हमको 1000 रुपये मांगा। कितने लोगों से? 2 लोगों से, और मैं और बाबूलाल से। अच्छा, और एक महिला भी थी बोलते हैं ना? एक महिला थी, वो उसको अब मालूम नहीं, वो थोड़ी सी हमसे आउट बैठी थी वो। अच्छा अच्छा, 2 लोगों से 1000 रुपये ले लिए। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद में गोंदिया स्टेशन जाते तक हमको भोजन भी दिया गया। उसके बाद गोंदिया स्टेशन में गाड़ी रुकी, वहाँ पर आधा पौन घंटा उनने फिर चेक किए। उसके बाद वहाँ से फिर गाड़ी रवाना हो गई। तो गोंदिया और दुर्ग के बीच में एक स्टेशन पड़ता है आजू बाजू कहीं दुर्ग के करीब में, तो वहाँ जा कर के गाड़ी रुकवाए, और वो स्टेशन मतलब ऐसी था, थर्ड क्लास, तो लोकल स्टेशन रहा होगा। हाँ, तो वहाँ पर हमको तीनों आदमी को उतार दिया। तीनों कौन कौन को? डुलीचंद, मैं डुलीचंद, बाबूलाल, और वो है बीवन भाई। अच्छा, महिला को? महिला को। अच्छा, तीनों को उतार दिए? तीनों को उतार दिए। तो क्यों उतार दिए? बोले आप उतर जाओ, बोले रास्ते से चलती हुई गोंदिया और रमसाड़ा के बीच में हमको 500-500 रुपये फिर मांग रहा था ये आदमी।
अच्छा, यानी पहले 1000 रुपये ले लिया, उसके बाद में फिर 500 रुपये 500 मांग रहा था। तो फिर आप लोगों ने दिए नहीं? हम लोगों ने नहीं दिए, हमारे पास हमने बोले पैसा ही नहीं है, तब कहाँ से देंगे अभी। तो वहाँ गाड़ी रुका करके उन्हें उतार दिया, हमको तीनों को उतार दिए। ये बताइए कितने किलोमीटर दूर उतारा आपको घर से? करीब यहाँ से बालाघाट से करीब 177-178 200 के आजू बाजू करीब। अच्छा, लगभग 200 किलोमीटर के आजू बाजू। हाँ। तो आपने विरोध नहीं किया कि भैया हम कैसे जाएंगे अभी, कैसा करेंगे करके? नहीं, हमने बोले, उसके बाद उन्हें गाड़ी रवाना करवा दी, फिर क्या बोलेंगे। हमने काफ़ी कोशिश की और गाड़ी पर बैठे बैठे हमसे उतार दिए, बात किए, उन्हें गाड़ी रवाना कर दिए। अच्छा, यानी आपको नहीं लेके गए वहाँ से? उतार दिए। हाँ, वहीं उतार दिए हमको लेके। क्या मांग करना चाहते हैं? तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस प्रकार हमारा अपमान किया उनने उतने जनता के बीच में, हमारा मतलब वो कार्रवाई करना चाहते हैं। या और दूसरी चीज़ ये है कि आते समय गाड़ी को अन्यत्र जगह में रुकवा करके उच्च अधिकारियों द्वारा वह बिना कार्ड के कितने हैं उसकी जांच किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बिना कार्ड के बहुत से लोग हैं? यानी उन लोग से भी पैसा लिया गया होगा? उनसे भी पैसा लिया गया, जब तो उनको ले गए, हमने नहीं दिया, हमको उतार दिया, उनसे पैसे लिए, उनको ले जा लिया। तो इसलिए उच्च अधिकारियों द्वारा उसकी जांच करवाई जाए, अन्यत्र जगह उधर गाड़ी रुकवा करके आते समय। वहीं इस मामले में रेज ऑफिस कॉलोनी निवासी बीरन भाई ने बताया कि संबंधित अधिकारी ने गोंदिया में उनसे 1500 रुपए लेकर यात्रा का कार्ड दे दिया और दुर्ग स्टेशन के पास फिर से पैसों की मांग करने लगे। पैसा ना देने पर 3 यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया गया। तो क्यों उतार दी? उन्होंने कहे आपका वो नाम नहीं है, टिकट नहीं है, पैसा नहीं दे, और पैसा ले लिए और फिर उतार। कितना पैसा लिया आपसे? 1500 रुपये ले लिए। 1500? तो आपने बोले नहीं कि आपने पैसा लिए? तो भाई बोले तो हमने नहीं लिए, बोल दिए, बदल गए। अच्छा, तुरंत बदल गए कि हमने नहीं लिए पैसा। किसने लिया आपसे पैसा? रंग डालिन पैसे लिए। तो अभी आप फिर कैसे आए, उतने कैसे आए? आप एक महिला हैं और आपको उतार दिया जाता है, तो फिर आप कैसे आए? और दो जन थे ना जीवनी के साथ में आए फिर। अच्छा, तो फिर कैसा किया आपने आने के लिए? ट्रेन से आए। हाँ। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप ये बताइए कि जैसे कि आप लोगों को उतार दिया गया पहले। अच्छा, कहाँ उतार दे रहा था? अगर यहीं बालाघाट में उतार देना था, अगर ज़्यादा ही वो रहती तो क्या, नहीं तो यहाँ गोंदिया में उतारना था, गोंदिया से तो उधर ले गए। चलो भाई। अच्छा, तो पहले आपने बताया नहीं थे कि हमको कार्ड नहीं मिला करके? फिर दे दिए ना जी वहाँ गोंदिया में। क्या? हाँ, बताए और फिर वहाँ गोंदिया में दिए। क्या दे दिया आपको? कार्ड। अच्छा, कार्ड दे दिए गोंदिया में आपको। हाँ, फिर? और फिर ले गए ना वहाँ, फिर कहने लगे आपका नाम का नहीं है, फिर उतार दिए। तो पैसे आपको कार्ड लेने के पहले लिए थे कि बाद में? उसी समय पैसे लिए और फिर कार्ड दिए। अच्छा, पैसे लिए और कार्ड दे दिए आपको गोंदिया में, उसके बाद वहाँ दुर्ग तक ले गए और फिर उतार दिए। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? मांग करेंगे, आप कुछ दिखता है ऊपर। अब सभी लोग जा रहे हैं, ऐसे गए साल जाने वाले, साल में 2-3 बार जा रहे हैं और हम लोग तो आज तक गए नहीं। तो अच्छा, तो क्या नाम नहीं लगा। क्या आपको ये लगता है कि उस यात्रा के दौरान जो है छानबीन करा जाए? छानबीन करनी चाहिए। क्या घड़ी घड़ी जाते? अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या? अच्छा, घड़ी घड़ी भी लोग जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? वो लोग तो बार बार ही जाते हैं, उनका क्यों नंबर लगता है? जो नहीं जाता उसका क्यों नहीं लगता? अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग को उतार दिया गया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पैसे लेके यात्रा और लोगों की कराई गई हो? जाते हैं तो वो पैसे लेके जाते होंगे। अच्छा, तो ऐसा कितने, ऐसा कई लोग, कितने बगैर उसके नाम वाले भी कई लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं? होंगे ना जी, अभी इतने जानकारी तो नहीं है, मगर होंगे। इस पूरे मामले में फोन पर की गई चर्चा के दौरान तीर्थ यात्रा प्रभारी एस के नाथ ने यात्रियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। वहीं फोन पर की गई चर्चा के दौरान एडीएम मरकाम ने बताया कि यह मामला कलेक्टर डीवी सिंह के संज्ञान में है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि संबंधित अधिकारी पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। नगर के वार्ड नंबर 28 में बीती रात चोरों ने एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वे इस प्रयास में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए और कुछ चांदी के सिक्के और सैमसंग मोबाइल के साथ 2000 रुपए नकदी लेकर वे मौके से फरार हो गए। वहीं इन चोरों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके तहत मामले की जाँच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी है। 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी रात चोरों ने नगर वार्ड नंबर 28 के 3 घरों को निशाना बनाया।
जिसमें सचिन चावड़ा के घर में चोरों ने उस वक्त धावा बोला जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। चोरों ने बड़े ही इत्मीनान से घर को खंगाला। वहीं अलमारी को खोलने के प्रयास में असफल होने पर उन्होंने औजार से अलमारी के चादर को काटने का असफल प्रयास किया। इस घटना के संबंध में घर के मालिक सचिन चावड़ा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी कुछ इस तरह से दी। हम तो थे नहीं, हम किरनापुर गए हुए थे ससुराल में, और सुबह भाई का फोन आया, उन्होंने बताया कि घर का सब सामान वामान अस्त व्यस्त चोरा है करके। फिर आने के बाद पूरी घटनाक्रम हमें ज्ञात हुआ, तो मेरा जो अलमारी का मेन है वो तोड़ने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें लॉकर में सब पैसे और गहने रहते हैं, तो तोड़ नहीं पाए वो, तो पीछे से कोशिश की गई कि हथियार से। बाद में पता चला ये हथियार भी सामने पड़ोसी के आंगन में रखा हुआ था, वहाँ से लाया गया। और लड़के की सब सीसीटीवी फुटेज भी मुझे मिल गई है, यहाँ पे जो कैमरे लगे बाहर आने, साथ में टीआई सर भी आए थे और फॉरेंसिक वाले भी आए थे, वो सभी चीज़ जाँच करके गए हैं। अच्छा, अच्छा भैया क्या कुछ ले गए हैं क्या? हाँ, कुछ कुछ चांदी के सिक्के ले गया, 2-3 हज़ार रुपये ले गए नगद, जो बाहर चिल्लर पड़े रहते हैं। और अलमारी नहीं तोड़ पाए? अलमारी तोड़ नहीं पाए। और कहाँ कहाँ ढूंढे उन लोगों ने? और ये घर में सभी ये अलमारी खुली हुई है, और भी भगवान के रूम के नीचे ऊपर अलमारी वो खोली गई, बर्तन भी सब अस्त व्यस्त दिख रहे हैं किचन में। सामने अवस्थी जी रहते हैं, उनके यहाँ कोशिश की गई गेट तोड़ने की। बाजू में एसआरटी जी के ऊपर में शर्मा जी किराए पे रहते हैं, उनका मोबाइल चोरी। तीन घरों में। क्या लगता है कितने लोग होंगे, क्या गैंग होगी इन लोग की? फुटेज में तो एक ही लड़का दिख रहा है 1:30 बजे एंट्री करते हुए, और दूसरा 4:12 बजे पे एग्जिट करता हुआ। अच्छा, और वो फुटेज दे दी गई है पुलिस। अच्छा, इस लड़के को भी आपने देखा है घूमते? नहीं। इसके अलावा चोरों ने जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर के घर के गेट का ताला तोड़ा, लेकिन चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा चोरों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संतोष शर्मा के बिस्तर पर रखे 13,000 कीमत के मोबाइल को भी पार कर दिया। इस घटना के संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि चोरों ने चोरी के प्रयास में ताला तोड़ा है, लेकिन चोरी नहीं की। वहीं अब तक इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई है। मामले को लेकर पुलिस अपने स्तर पर तफ्तीश कर रही है। अच्छा, क्या घटना हुई रात में बताएं? मोबाइल बिस्तर में ही पड़ा था, सोए थे। अच्छा, क्या कितने लोग थे ऐसा कुछ जानकारी लगी? नहीं, कुछ भी नहीं समझ में नहीं। कितने बजे घटना होगी लगभग? 12:30 के बाद ही हुई। 12:30 बजे के बाद सब सो गए थे क्या आप लोग? हाँ। अच्छा, जो मोबाइल ले गए हैं कितनी का होगा लगभग? 13,000 का। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्राम पंचायत लबादा के किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या के संबंध में बताया कि धान में कीट के प्रकोप के चलते करीब 1 सैकड़ा किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी कर्मचारी फसल का सर्वे करने नहीं पहुंचा है, जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। क्योंकि किसानों ने फसल बीमा तो करवाया है, लेकिन फसल का सर्वे नहीं हुआ तो उन्हें बीमा का लाभ किस प्रकार से मिल पाएगा। किसानों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ जो धान में अपने यहाँ बीमारी से जो फसल नष्ट हो रही है, आया हुआ धान को कीड़ा खा चुका है, जिसमें 75% फसल मार खा चुकी है, यानी गाँव की। कितने एकड़ में लगा है पूरा धान? पूरा धान होगा कम से कम 125 एकड़ के ज़्यादा, 400-500 एकड़ के ऊपर करेंगे। खराब हो गया धान, तो इससे किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों को? यानी अधिकारी लोग आके वहाँ पे तत्काल में जो बीमा कट रहा है सोसाइटी वगैरह में, और जो प्राइवेट बीमा भी करवाए हैं, तो कम से कम कर्मचारी आके देखेगा, नहीं तो अभी 2-3 दिन धान कट जाएगी। अच्छा, यानी वो तो जो अभी तक आपने जानकारी दी है किसी अधिकारी को? हाँ, अधिकारी को दिए हैं, आज ही दिए हैं, आज ही दिए हैं, मंत्री महोदय को भी दिए हैं। अच्छा, मंत्री महोदय पहुँचा है आपके गाँव में अभी तक? मंत्री महोदय आदेश किए हैं, वहाँ पे कृषि विस्तार अधिकारी वगैरह थे बंगले में, उनको बोले तत्काल इनका थोड़ा निरीक्षण करवाइए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से वही, जो नुकसान हो रहा है, यानी अगर फसल नहीं होगी तो क्या करेंगे, जैसे बीमा का है वो पैसा टाइम पे मिल जाए। अच्छा,
जो दूसरी खेती फसल बीमा करवाए आप? हाँ, फसल बीमा कटा है फसल बीमा तो हर साल करता है वो, सोसाइटी से ही कट जाता है जो अपना लेन देन चलता है धान की फसल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के कार्यकाल के एक वर्ष सफलतम पूरे होने पर वारासिवनी में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। इस अवसर पर युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीप चौहान, नगर अध्यक्ष सौरभ पटेल और मनीष मिश्रा सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जी पांडे, इनके सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर युवाओं में एक जोश है, उमंग है और उनकी उसी उपलक्ष में हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। युवा मोर्चा को जब से अभिलाष भैया के हाथों में आई है, बहुत अच्छा कार्यकाल किया, इसी की खुशी में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस समारोह में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इन वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा पार्टी की स्थापना से लेकर अभी तक की स्थिति को विस्तार से बताया गया। मैदान में जितना नहीं करता कि मर जाऊंगा, जीतना रहूंगा, आर पार की लड़ाई लड़ता है और वही आर पार की लड़ाई लड़ने वाला ही उनका भी सम्मानित विषय में गौरी गौरी बाबू से आग्रह करूंगा कि श्रीमती माया खंडेलवाल जी का पुष्पाल और साल तरीको हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर के अध्यक्ष डॉक्टर हरिकिशन पिल्ले जी उपस्थित हैं, उनका भी पुष्पाल से स्वागत करेंगे। उनके साथ ही लालबाना मंडल के पूर्व अध्यक्ष, उनका भी स्वागत साल और श्रीफों से किया जाए और हमारे बीच में श्री नई पटेल जी हीरापुर, इनका भी स्वागत किया जाए। नेतलाल चौधरी जी गोंडेगांव, आप लोगों से भी निवेदन है। श्री रियाज भाई और वार्ड नंबर 4 से श्री अशरफ अली जी, इनका स्वागत किया जाए। वार्ड नंबर 5। वहीं कृषि मंत्री और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। इस समारोह में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अपने मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को दुनिया में रख रहे हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र। तो अनेक विचारधाराएं, समाजवाद की बात की गई, पूंजीवाद का विषय आया, फिर कम्युनिस्टों का वाद आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए यह साल पूरा वर्ष परीक्षा का वर्ष है। एक एक घटना आपके एक एक मतदाता को प्रभावित करने वाली, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपकी बोलचाल, आपका उठना बैठना, आपका। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि आने वाले 2018 के विधानसभा के चुनाव में और 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम मध्य प्रदेश में तथा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अथवा सांसद हैं वहाँ तो हम निर्वाचित होंगे ही पुनः, लेकिन जहाँ हम नहीं हैं उन सीटों में भी भाजपा का प्रत्याशियों को विजय से दिला करके दो तिहाई बहुमत बल्कि 3/4 बहुमत की सरकार हमारे राज्य और राष्ट्र में बने। 6 साल बाद कराए जा रहे छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया हो गई है। इस अहम चुनाव को लेकर जहां एक ओर विभिन्न छात्र संगठन विद्यार्थियों को लुभाने के प्रयास में हैं, वहीं पूरे कॉलेज परिसर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। पीजी कॉलेज में इस चुनाव को देखते हुए अभी से पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है जो चुनाव संपन्न होने तक तैनात रहेंगे। छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के बीच मंगलवार को कॉलेज प्रबंधन द्वारा कक्षावार मतदाता की सूची तैयार की गई है जिसका प्रकाशन बुधवार को 4 से 5 बजे के बीच किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक पुलिस जवानों की तैनाती किए जाने की बात कही जा रही है।
सर जैसे कि छात्र चुनाव आज का कार्य जो है कक्षावार मतदाताओं की सूची तैयार करना है और 25/10 को 4 से 5 बजे तक कक्षावार मतदाताओं की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। क्या सर इसमें कुछ दावे आपत्ति वाले भी कुछ वो रखी गई है क्या कह सकते हैं? हाँ 26 तारीख को 11 से 3 बजे तक मतदाताओं की जो प्रकाशित सूची है उस पर दावा आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी। चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो पुलिस बल को तैनात कर दिया है और आज से जो पुलिस बल जो है वो महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध है। यानी ये पुलिस बल पूरा 30 तारीख तक पूरा 30 तारीख तक रहेगा और आवश्यकता के अनुसार जो है इसमें वृद्धि भी होती जाएगी। तब से अभी तक शांतिपूर्ण माहौल शांतिपूर्ण अभी तक सब शांतिपूर्ण व्यवस्था में माहौल में जो है प्रक्रिया चल रही चुनाव। खेत में काम कर घर लौट रहे युवक की मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में घायल हुए युवक का नाम ग्राम कंजय लालबर्रा निवासी 18 वर्षीय संदीप बोहने और दूसरे घायल का नाम सुनील भट्टी बताया जा रहा है जिन्हें 108 एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिलने के चलते निजी वाहन से लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान घायल युवक संदीप ने बताया कि घटना के बाद उन्हें लालबर्रा के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था जिन्हें बालाघाट के लिए रेफर किया गया लेकिन एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं दिया गया। 3 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करने के बाद उनके परिजनों ने निजी वाहन से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या नाम है भी आपका? संदीप मोहन। हाँ संदीप मोहन है। संदीप मोहन कहाँ रहते हैं? संजय। क्या हुआ आपके साथ? ये गाड़ी स्लिप हो गई। हाँ तो कहाँ खेत से जा रहे थे घर? अच्छा ये बताइए कि गाड़ी स्लिप हो गई तो आप दोनों लोग घायल हो गए तो आपको 108 एम्बुलेंस का लाभ मिला कि नहीं मिला? वहाँ पे भी बहुत लेट आई जहाँ हुआ वहाँ पे भी बहुत लेट आई। अच्छा लाभ मिला है नहीं? नहीं सुनो तो हमने वहाँ से फ़ोन लगाया लालबर्रा तो लालबर्रा से कम आधा घंटा लेट आई एम्बुलेंस फिर लालबर्रा में बोले बालाघाट शिफ्ट करना पड़ेगा तो वहाँ पे आधा घंटे में 108 आएगी बोले आधा घंटा कहाँ 3 घंटा लग गया वहाँ दर्द के मारे इंसान रुक नहीं सक रहा था तो अपनी खुद की गाड़ी बनवाए। अच्छा लालबर्रा से यहाँ लाने के लिए आपको 108 का लाभ नहीं मिला? आधा घंटा का टाइम दिया था आधा घंटे में नहीं आई हमने कम से कम 3 घंटा देखे 108 का वहाँ 3 घंटे में नहीं आई तो अपनी खुद की गाड़ी बना के लाए संजय। वारासिवनी में 24 अक्टूबर को आयोजित जनसुनवाई में तहसीलदार महेंद्र पटेल ने जनता की समस्याएं सुनी। यहां 13 लोगों द्वारा आवेदन देकर अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। लालबर्रा क्षेत्र के अनेक मार्गों की हालत जर्जर हो गई है लेकिन संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन मार्गों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही मार्गों में अमोली से समनापुर मार्ग भी है। इस मार्ग पर पड़ने वाले गांव बमनी में सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे के आसपास कोई संकेत बोर्ड भी नहीं लगा है जिसके कारण यहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मार्ग के तत्काल मरम्मत की मांग की है। क्या नाम है आपका? बेबी नंदा हुई के जी। तो ये कितने दिनों से देख रहे हैं आप ये गड्ढा बना हुआ है? हमें करीब साल भर हो गया सर। एक साल हो गया गड्ढा? यानी ये रोड का पूरा यानी पूरा गड्ढा ही 6 महीने हो गए गड्ढा। तो ये गड्ढा जैसे जब से गड्ढा बना है तो पुलिया के बीच से फूट गया है? बीच से फूटा है, नहर गई है वहीं से जी। तो इसमें आए दिन घटनाएं हो रही, क्या हो रहा है? आए दिन घटनाएं हो रही है, किसी के सर फूट रहे थे, किसी के दांत टूट रहे हैं। 1 महीना पहले 2 व्यक्ति यहाँ से जा रहे थे, वो गड्ढे में घुस गए थे। आधा तो बोले गए तो लापरवाही तो ये पीडब्ल्यू आर ओ की भी है।
इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, कोई चीज रखना चाहिए कोई चीज रखते नहीं, और आए दिन को ना कुछ होता है, आने जाने वालों को परेशानी होती है, हर दिन नाइट में किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, और बताओ तो कोई सुनते नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं शासन हम पे। इसके अलावा रोड की क्या हालत है? रोड की तो बहुत बुरी हालत है, अभी कल जो घटना हुई फिर क्या किया आप लोगों ने? आपको कब पता चला, कैसे पता चला? नहीं, हम लोग इधर कहीं काम से गए थे, आ रहे थे, तो हमने देखी बाइक वाला गुस्सा हुआ था वहाँ पे, उसको खींच करके निकाल रहे थे, और गाड़ी पूरी टूट गई थी और उसे बहुत सा चोट लगा था। क्या समस्या आ रही है रोड में? रोड में समस्या है, गाड़ी घोड़े बहुत दिक्कत चल रहे हैं, और यहाँ से वो क्षतिग्रस्त है पुलिया, उसके ऊपर हम लोगों ने कई बार एक्शन लिए और बोले, PWD को भी बोले, एरिकेशन को भी बोले, उसके बाद में उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने यहाँ तक के बोला कि वो यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड का तो पड़ा हुआ एक पाइप यहाँ पे नज़दीक में, उस पाइप को खड़ा कर दो ताकि दुर्घटना ना हो, फिर शासन ने कोई ध्यान दिया नहीं, ऐसे 6-7 एक्सीडेंट हो गए यहाँ। अभी क्या घटना हुई? अभी रात को एक मोटरसाइकिल वाला गिर चुका है वहाँ पे, उसको बहुत सर और में चोट भी लगी है, उसके बाद में हमने 100 नंबर को बुला करके उसकी इंक्वायरी भी करवाए, उसके बाद में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, तो क्या करोगे? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि ये और किसी के प्रेशर में नहीं, केंद्रीय मंत्री का ये है विधानसभा क्षेत्र, गौरी भाऊ का विधानसभा क्षेत्र है ये, अब उसी के क्षेत्रों में ये हाल है रोड़ों की, तो किसके क्षेत्र में और क्या होगा? मैं रिकेश कुमार पड़वार, ग्राम पंचायत अध्यक्ष का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ में वही हुआ कि मैं बाहर से आया, मेरे को अचानक गड्ढा दिखा, मैं साइकिल से गिर गया, साइकिल सहित फिर उसके बाद में साइकिल को बनवाया। तो लगा कहीं पे आपको? ये सर में है। उसी चोट लगी है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम ददिया के मजदूरों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर मजदूरी दिलाए जाने की मांग की है। इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें 6 महीनों से मजदूरी नहीं मिली है। सचिव के पास जाने पर बोलता बार बार कि भैया आज डाल रहा हूँ कल डाल रहा हूँ, कभी कहता है कि BTM में डाल दिया हूँ, BTM चेक करवाया उसमें 42 रुपये बता रहा है BTM जी, बाकी पैसे बाहर के कहीं नहीं आए। फिर वो ट्रांसफ़र करने को बोला स्टेट बैंक के खाते में, उसमें भी 0 बता रहा है, कुछ पैसे नहीं है। मतलब घुमा रहे आपको बार बार? माने घुमा रहा है, मेरे को तो 10 से 12 बार हो गया, भूतपूर्व पंच भी रह चुका हूँ पंचायत पहले। क्या लग रहा है आपको, जैसे आपको इतनी परेशानी हो रही है? मुझे लग रहा है कि पैसा पूरा भ्रष्टाचार में लगा दिया, पूरा पैसा खा भी गया ऐसा लगता है। कितना पैसा? ये काम करिए मेन बमान ने थे, पैसे नहीं मिले से। कब की बात हो गई है? 6 महीना हो गया। मेन बमान में किसके यहाँ काम किए थे? तलई ने काम किए हैं, रमेश के यहाँ काम किए हैं। कितने दिन का है मजदूरी आपका? 23 दिन का। अभी क्या मांग लेके आए हम? ये पैसे नहीं मिले हैं, पैसे दिलाओ ऐसे। वारा सिवनी में भी महाविद्यालयीन छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही कक्षा प्रतिनिधियों के लिए 50% महिला आरक्षण के लिए लॉट निकाले गए। वहीं छात्र संघ पदाधिकारियों के लिए भी महिला आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई। इसके तहत यहां के SSP कॉलेज में अध्यक्ष और सहसचिव का पद छात्राओं के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि उपाध्यक्ष और सचिव का पद अनारक्षित है। इस चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI द्वारा अपनी रणनीति तैयार कर ली गई है। आपका नाम? करण कनौजी। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, और आप AVP से, तो क्या तैयारियां चल रही है आपकी? अभी तैयारियां चल रही है MSC, जैसे कि हम छात्र संगठन में छात्र संगठन चुनाव जीत जाता है तो MSC प्रारंभ करने की अधिसूचना जारी की गई है, और साथ ही MA PG और MA PG में समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र, और साथ ही अंग्रेजी, और CCTV कैमरा चालू हर एक कमरे में प्रारंभ कराने का प्रावधान रखा गया है, और छात्री छात्रावास प्रारंभ कराया जाएगा। और नहीं, ये मान सकते हैं कि अगर आपके अध्यक्ष बनते हैं, हाँ, तो ये
मांगे रहेगी आपकी प्रमुख? हाँ, ये मांगे रहेंगी और कैंटीन चालू कराया जाएगा, साथ ही सिक्योरिटी कॉलेज में बढ़ा दी जाएंगी। 6 वर्ष बाद ये चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के, तो क्या ऐसा लग रहा है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है, बाकी महसूस ये हो रहा है कि अगर छात्र संगठन चुनाव जीत जाता है, जो हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया जिन जिन मुद्दों पर, है ना, वो सभी मुद्दे क्लियर किए जाएंगे। मतलब गौतम है, मैं बी ए 5th सेम का छात्र हूँ और कॉलेज में अभी चुनाव की तैयारी चल रही है और कुछ ही दिन बाद कॉलेज के चुनाव होंगे और काफ़ी ज़ोरों शोरों से कॉलेज के अंदर कॉलेज के छात्रों के हित में यह तैयारी चल रही है और यह चुनाव में लगभग सभी क्लास के छात्र खड़े होंगे। सीआर का पद रहेगा, अध्यक्ष का पद रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोगों अभी छात्रों के बीच में आएगी। जैसे हमारे NSY का अगर अध्यक्ष बनते हैं तो फिर क्या दायित्व रहेगा आप लोग का? कॉलेज के छात्रों के हित में हमें काम करना है पहली बात तो, और निसंकोच होकर काम करना है, न कि सर ने बोले कि ये करना, नहीं, हमें छात्रों की कंडीशन देखना है कि छात्रों का क्या किस चीज़ों में काम नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ों को हम सबके सामने लाएंगे। सर, महाविद्यालय में छात्र संगठन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो इसमें अपने महाविद्यालय SSP महाविद्यालय में क्या आरक्षित की? 23 तारीख को छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी की गई और 3 बजे के लगभग जो गाइडलाइन दी गई है हमको शासन से, उसके आधार पे छात्राओं के लिए कुछ कक्षाओं का आरक्षण लॉटरी द्वारा निकाला गया है, जिसमें से कक्षा प्रतिनिधियों में 9 कक्षाओं में छात्राओं के लिए आरक्षित की गई है और 4 पद पदाधिकारियों में से 2 पद अध्यक्ष और सह सचिव छात्राओं के लिए आरक्षित किए गए। तो सर, ये लॉटरी के माध्यम से निकाला गया है? हाँ, ये लॉटरी द्वारा निकाला गया है छात्रों की उपस्थिति में। लॉटरी किसके द्वारा निकाली गई है? छात्रों की उपस्थिति में छात्रों के द्वारा निकाला गया। सर, मतदाता सूची कब तक प्रकाशित कर दी जाएगी? आज मतदाता सूची तैयार किए जाने का कार्यक्रम है और कल उसका प्रकाशन। और सर, क्या प्रक्रिया रहेगी सर चुनाव में? चुनाव की प्रक्रिया 30 तारीख को कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव होगा छात्रों के द्वारा और चुने हुए कक्षा प्रतिनिधि उसी दिन पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। सर, नाम आपसे लेने में क्या क्या है? ये दावा आपत्ति 26 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उसके बाद में वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी नाम वापसी संबंधी, दावा आपत्ति संबंधी। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा, कुछ बुजुर्ग यात्रियों को दे गई कड़वे अनुभव। कामाख्या तीर्थ दर्शन यात्रा के दौरान कुछ तीर्थ यात्रियों को बीच स्टेशन में उतारा, यात्रियों ने लगाया यात्रा प्रबंधन पर रुपए लेने का आरोप। मामले की जांच को लेकर जुटा जिला प्रशासन। इसने नगर में अज्ञात चोरों ने बनाया 3 घरों को निशाना, चांदी के सिक्के मोबाइल सहित नकदी को किया पार। CSP ने टीम के साथ घटनास्थल का लिया जायजा। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के दीपावली मिलन समारोह में वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। चुनाव के लिए जुट जाने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। और वाराणसी में भी बढ़ी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।